हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा अपना जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का टॉपिक अपना एक रह गया लास्ट ही प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट, वो बारे आप डिस्कस करते हैं। प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट इज अ सॉफ्टवेयर दैट सिस्टम दैट वन मिनट वेट। That provide integrated facility for program creation, editing, execution, testing and debugging। क्या जी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट जिंदा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है जी, की करता वो प्रोवाइड करता इंटीग्रेटेड, मतलब वो रिलेटेड अपन फैसिलिटी आ जिड़िया दिता जिद आप करते हैं टैसटिंग करते हैं डिबगिंग करते हैं जो कोई चेंजेस करनी है क्रिएट्स करनी है जो कुछ एरर वगैरह ठीक करने उन्होंने मतलब कि ठीक करने के लिए अपनी मतलब सहायता करता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, एक कहते कुछ कंपोनेंट की कलैक्शन की फर्स्ट जिम्मे ये सेंटेक्स डायरेक्टर एडिटर जिन्होंने आप स्ट्रक्चर एडिटर बोलते हैं, मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर आप क्रिएट किया वो चेंजेस करनी है। लैंग्वेज प्रोसैसर है जिसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर से बोलती गल की गई, एक डिबग मनीटर है एक डायलॉग मनीटर है, ठीक है। इन्हें तीनों चारों बारे आप डिस्कस करते हैं। पहला ऑल कंपोनेंट आर एक्सेसिव थ्रू द डायलॉग मनीटर, जिन्हें भी कंपोनेंट होंगे ने वो सारे डायलॉग मनीटर के द्वारा एक्सेस किए जाते। सिंटैक्स डायरेक्टेड एडिटर इनकारपोरेट फ्रंट एंड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सिंटैक्स जो डायरेक्ट एडिटर की गल करते हैं ये की किया जाए फ्रंट एंड मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फर्स्ट पार्ट में ही किया जाता गा चेंज किया जाता, ठीक है। एज अ यूजर की इन दिस प्रोग्राम द एडिटर परफॉर्म सिंटैक्स एनालिसिस एंड कन्वर्ट इट इनटू द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, की करता यूजर की करता जो भी एडिटर है मतलब ये सिंटैक्स एनालिसिस परफॉर्म करता भी कन्वर्ट करता वो कहते इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के टाइपिकली एब्सट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री की फॉर्म के चेंज करते हैं। मैं पास्ट ट्री बारे गल की सी। कंपाइलर की करता है कंपाइलर एंड द डिबग मनीटर शेयर द आई आर, मतलब जो भी अपने को इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दोनों शेयर करते हैं। इफ अ कंपाइलर इज यूज, जे कंपाइलर इन यूज़ करता गा, ठीक है। इट इज़ एक्टिवेटेड आफ्टर द एडिटर हैज़ कन्वर्टेड अ स्टेटमेंट टू आई आर, मतलब कि इन्हें एक्टिवेट करूँगा मतलब कन्वर्ट कर तो बाद। कंपाइलर वर्क इंप्लीमेंट टू जनरेट कोड फॉर स्टेटमेंट, जो कंपाइलर का काम की है कोड जनरेट करूँगा कहदे लिए स्टेटमेंट के लिए, मतलब वो वाधा करूँगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और इंटरप्रेशन कैन बी सपोर्टेड इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट हैज़ बीन इनपुट, कहते कि यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है ज इंटरप्रेशन है प्रोग्राम का मतलब जो भी वर्किंग होंगी है बेटा वो मतलब कि तुरंत ही मतलब कि वह हो जूगी सपोर्ट हो जूगी जो लास्ट स्टेटमेंट को इनपुट मिल जूगी। एट एनी टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द प्रोग्रामर कैन इंटरप्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड एंटर द डिबग मोड और रिटर्न टू द एडिटर, कि जो भी कोई भी टाइम है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रोग्रामर है कैन इंटरप्ट द प्रोग्राम, प्रोग्राम की जी एग्जीक्यूशन उन्होंने रोक सकता एंड एंटर द डिबग मोड ऑन रिटर्न ऑन द एडिटर, मतलब कि वो डिबग मोड में एंटर कर सकता भी एरर चैक कर ली मतलब करैक्ट कर सकता गा तो जो एडिटर की कर सकता गा वापस कर सकता। इन कहते लेटर केस फार कैन मॉडिफाई द प्रोग्राम एंड रिज्यूम और रिस्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन, जो आप लेटर केसिस की गल करते हैं भी ये प्रोग्राम को आप चेंज कर सकते हैं उन्होंने रिज्यूम कर सकते हैं जो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन सिंप्लीफिकेशन फॉर द यूजर इज ईजी, कहते एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल फंक्शन, जिहड़ी मतलब मेन इसकी सिंपलीफिकेशन है भी मतलब यूजर ईजली सारे फंक्शन को रीड कर सकता है डायलॉग मीटर के द्वारा। द सिस्टम में आल्सो प्रोवाइड द अदर प्रोग्राम डिवेलपिंग एंड टैसटिंग द फंक्शन, जिहड़ा सिस्टम है कि वह मतलब कि अदर प्रोग्राम डिवेलपमेंट भी प्रोवाइड करवाता जिद फंक्शन को टैसट किया जाता, जिम्मे एग्जाम्पल है बेटा इट मे परमिट अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट अ पार्टी पार्शियल इनकम्प्लीटेड प्रोग्राम, प्रोग्राम को कंप्लीट करने लिए वो की करता पार्ट्स के प्रोग्रामर को कह दिता परमिशन दे दिता भी तू सारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना। द प्रोग्रामर कैन बी अल्टर इफ एंड अंडरस्टैंड अनडिक्लेयर, ठीक है, वेरिएबल और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट इज इनकाउंटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, द प्रोग्राम की करूगा जो भी अनडिक्लेयर है वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है पूरे कंप्लीट नहीं होंगे स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के दौरान वो की कर लूगा चेंजेस कर सकता। द प्रोग्रामर कैन इंसर्ट नेसेसरी डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड रिज्यूम द एग्जीक्यूशन, कहते प्रोग्रामर की कर सकता इतने मतलब जिड़ी चाहिए अपन डिक्लेरेशन उन्होंने इंसर्ट कर सकता स्टेटमेंट्स में तो रिज्यूम कर सकता एग्जीक्यूशन को रोक सकता। द दिस परमिट मेजर इंटरफेस इन द प्रोग्राम टू टेस्ट पेयर टू डिवेलपमेंट ऑफ अ मड्यूल, का मतलब कि मड्यूल की डिवेलपमेंट ले ही यही टेस्ट है जो किया जाता। इस बाद कहते बेटा अपने को जोड़ा द कॉर्नल प्रोग्रामर साइंथेजर से, ठीक है, जोड़ा कॉर्नल प्रोग्रामर साइंथेजर जिन्होंने CPS बोलते हैं जिन्हें अपने टाइटलियन मैन रिपेस 1981 के शुरू किया गया सगा, इस सेंटैक्स डायरेक्टेड प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट सगा जिद कि फॉर सबसेट ऑफ PL ते IM नोन एज PLCS, मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि दोनों पार्ट से, ठीक है।
इट कंटेन आ कहते सेंटेक्स डायरेक्टर एडिटर ठीक है कंपाइलेशन एंड इंटरपोलेशन ये की चीज़ा कंटेन सियाँ एक के डायरेक्टली एडिटिंग हो जाती सी ठीक है कंपाइल हो जाता सी व्याख्या हो जाती सी फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड कलैक्शन ऑफ डिबगिंग द टूल तो एक आप ये की सी जे डिबगिंग करने लिए टूल यूज किए जाते थे वो भी ये कलैक्ट है जो कर लेते जिहड़ा एडिटर गाइड द यूजर टू डिवेलप अ वेल स्ट्रक्चर प्रोग्राम थ्रू द यूज ऑफ टैंपलेट टैंपलेट्स मतलब पार्ट के थ्रू मतलब कि प्रोग्राम को वधिया डिवेलप करती थी टैंपलेट की एक यूनिट ऑफ इनफॉर्मेशन कंसर्निंग पीएल जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किसी एक यूनिट सी इट कंसिस्ट ऑफ कहते सम फिक्स सेंटेक्स इनफॉर्मेशन ऑफ यू प्लेस होल्डर मतलब ये मतलब कि कुछ फिक्सड जी इनफॉर्मेशन चाहिए थी उही कलैक्ट की जाती थी जो मतलब कि कुछ को होल्ड कर लिया जाता है जो प्लेस होल्डर है की सिग्निफाई करवाते बेटा पोजिशन दसते प्रोग्राम की कितने आप लैंग्वेज का बनकर जी तैयार की है स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन कितने तैयार की है मे बी इंसर्टेड बाय प्रोग्रामर जी प्रोग्राम के द्वारा इंसर्ट की जाती है इट इज़ इक्विवेलेंट टू नॉन टर्मिनल सिंबल इन द सेंट्रल फॉर्म कहते हैं नॉन टर्मिनल सिंबल होंगे मतलब आप एंड है जो नहीं कह सकते प्रोग्राम डिवेलपमेंट सैशन स्टार्ट वेन द यूजर की इन द कमांड मेन कहते जो प्रोग्राम डिवेलपमेंट सैशन उदो शुरू हों जो यूजर कमांड मेन हों मेन तो उन्हें शुरू करना द एडिटर नाउ डिस्प्ले द टैंपलेट फॉर अ प्रोग्राम प्रोग्राम के लिए मतलब वो टैंपलेट वगैरह डिस्प्ले है जो करवा देता है जिमें बेटा अपने को नेम जिमें प्रोसीजर ऑप्शन मेन डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट है एंड किया जिमें अपने को गल कर रहे हैं मार्क्स का पोजिशन ऑफ द करसर करसर की पोजिशन दस दें भी अपना अपना करसर इतने आ एंड डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट आर अ प्लेस होल्डर भी इतने अपना ठीक है बेटा ये जिमें नेम प्रोसीजर ऑप्शन मेन से शुरू होया डिक्लेरेशन करती स्टेटमेंट से एंड किया जिहड़ा आ वाला मार्क्स का पोजिशन दस रहा कंसर की जिद डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट बारे गल की गई जिन्होंने आप प्लेस होल्डर बोलिया क्योंकि उसे डाटा स्टोर किया जा रहा यूजर कैन ब्रिंग द कर्सर टू प्लेस होल्डर से लैके आऊगा एंड बिगिन टू एक्सपेंड इट बाय इंडिकेटिंग द काइंड ऑफ एंटिटी वी विश टू पुट देयर भी जितने भी वो चाहता उत्थे वो अपना डाटा शो करना शुरू कर दूगा भरना सीपीएस है जो अपने को जिन्होंने आप कॉर्नल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम साइंथेसर बोलते हैं नाउ रीप्लेस द प्लेस होल्डर बाय टैंपलेट फॉर द एंटिटी मतलब एंटिटी की जगह पर मतलब टैंपलेट की जगह देती उन्हें प्लेस होल्डर को यूज ऑफ टैंपलेट अवॉइड ये सेंटेक्स एरर खत्म हो जाएंगे जिम्मे बेटा आयर एल्ज का इफ का मिसिंग एंड हो जाता डू स्टेटमेंट एंड हो जाती ये सारी चीज़ों के पिछुकी हो जाएगी